गाइज आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में, कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स के बारे में जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर जिससे बनता है, या जो मैंने, क्योंकि जो मेरी जर्नी रही है वो भी कहीं ना कहीं पहले शुरुआत में बहुत जो कि न्यू ट्रेडर की होती है कुछ खास नहीं होती, उसके बाद कुछ मैंने कुछ पॉइंट्स जो फॉलो किए उसके बाद ही मैं कुछ अर्न कर पा रहा हूँ या जो भी हूँ जिस भी लेवल पर हूँ। और एक सफल ट्रेडर बनने के लिए कुछ पॉइंट्स को जो मैंने रूल्स होते हैं कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो मैंने भी यूज़ किए हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो गाइज आज हम उस पर बात करेंगे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा गाइज, इस वीडियो को जब आप देख रहे हो तो तसल्ली बख्श देखना, क्योंकि इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बताऊँगा जिससे मेरी लाइफ में या मेरी लाइफ जो ट्रेडिंग जर्नी है उसमें काफ़ी सुधार आया है, जिसकी वजह से हाँ मैं प्रॉफिटेबल हूँ, उसके साथ साथ बहुत अच्छी जर्नी अब बन रही है और आगे आने वाले टाइम में एक बहुत बड़े जो भी मेरे गोल्स हैं उनको भी मैं अचीव करूंगा इन्हीं के जरिए। ठीक है, इस तो बने रहना वीडियो में एंड तक, बहुत कुछ चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो हो सकता है अभी तक आप गलती कर रहे थे तो अब आप समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसमें से पहला पॉइंट है प्रैक्टिस का गाइज, प्रैक्टिस, क्योंकि हमने सुना है ए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, किसी भी चीज़ को हमें करने के लिए उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर देखो ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना, जैसे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप में से हो सकता है कई लोग को जो पहले या फिर आपके फ्रेंड या कोई भी ट्रेडिंग करता होगा, तो अगर जैसे बहुत ज़्यादा लॉस हो गया होगा शुरू शुरू में तो मार्केट को गंदा बताते हैं। ठीक है, और ऐसा भी बोलते हैं कि लॉसेज ही होते हैं यहाँ पे प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, या आप में से कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा यार सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता यहाँ पे, सिर्फ लॉस ही लॉस चमकता है, कभी भी ट्रेड ले लूँ सिर्फ नुकसान ही होता है। आप सोच के तो देखो, आप कोई भी बिजनेस अगर करता है कोई भी बंदा, ठीक है, कोई भी चीज़, तो उसको पहले वो जान लेना चाहिए। सिंपल सी बात है, आप सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप कोई सा भी काम करना आप बिना सोचे समझे करोगे ना, अगर आप एक रोटी भी बनाते हो ना बिना सीखे बिना जाने कि वो बनती कैसे है तो आप उसे जला दोगे। पहली बात तो उसे आटा गूंथना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको बेलना पड़ता है, जब जाके एक रोटी बनती है पहले उसे सीखना पड़ता है, पहली बार में थोड़ी ना बना दोगे, ठीक है, बहुत बेकार बेकार कर दोगे ना। तो प्रैक्टिस की होगी, कई लड़कों को बनानी आती होगी अब, क्योंकि प्रैक्टिस की है आपने, जब जाके वो चीज़ आप बना पा रहे हो। ऐसे ही हमें प्रैक्टिस पहले करनी पड़ेगी किसी भी चीज़ की, मतलब ट्रेडिंग में सबसे पहले हमें प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, सबसे पहले हमें रियल मनी के थ्रू नहीं, बिल्कुल जो बिल्कुल अभी नए हैं ना तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ ये वाली बात, अगर आप बिल्कुल नए हो तो आप पहले बहुत वर्चुअल ट्रेड करने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन है मार्केट में, किसी में भी आप पेपर ट्रेडिंग करो। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग करो कि हाँ मैंने यहाँ पे ख़रीद लिया, या पेपर पर लिख के करो कि मैंने यहाँ पे ख़रीद लिया, अब मैंने यहाँ बेच दिया, ठीक है, और वहाँ पे ख़रीदा या वहाँ मैंने बेचा, कितना प्रॉफिट आ रहा कितना नहीं आ रहा, क्या नुकसान हो रहा क्या नहीं। ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं सीखने को, बहुत ज़्यादा तो नहीं मिल जाएगा, लेकिन यह एक अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट में कैसे प्राइस मूवमेंट करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा, क्योंकि जब तक रियल मनी नहीं मार्केट में जाता तब तक एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आता भी नहीं है। प्रैक्टिस करना है सबसे पहले, कम से कम 1 महीने 2 महीने आप उससे प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब उससे प्रैक्टिस कर लिया है तो अब रियल मनी के साथ आप आएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद आपको पहले तो रियल मनी के साथ आना है, और उससे पहले रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, मनी मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, कि जैसे कि कुछ भी डाल दिया अपने अमाउंट अपने ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000, या जो लोग काम कर रहे होंगे 5-6 महीने से अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आप लॉस में ही जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है ना, क्योंकि यार अगर मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर प्रॉफिट बना रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बना पा रहे हो, या 95% लोग क्यों नहीं बना पा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो गलती हो रही है। तो गलती है रिस्क मैनेजमेंट की, कि रिस्क मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, मनी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब रिस्क मैनेज कैसे करना है, देखो सबसे पहले क्या होता है कि रिस्क को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना है, अपनी मनी को डिफाइन करना है कि हमारे पास जो पैसा है असलियत में वो हम कितना और किस जगह किस तरफ लगाने वाले हैं। तो उसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले अपनी मनी को काउंट कर लो। ठीक है, मैं बता देता हूँ इसमें कि कैसे करना है, किस ट्रेड में कितना लेना है और क्यों करना है। अब मनी को डिफाइन कैसे करना है, अब जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई ट्रेड लेना है, मेरे अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये हैं, अब मुझे ट्रेड लेना है। ठीक है, आप ट्रेड लीजिए कोई सी भी ट्रेड लीजिए, मान लीजिए 500 रुपये का शेयर प्राइस चल रहा है किसी का भी, आपने इसमें ट्रेड लेना है, आपको लग रहा है इसका प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, मैं रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले रिस्क मैनेज करो, 2% से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना इस वाली ट्रेड में, सबसे पहले दिमाग में ही लेना है ट्रेड लेनी है, 2% से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए मेन कैपिटल का। 10,000 रुपये हैं, 200 रुपये ही जाने चाहिए इस वाले 200 रुपये जाने चाहिए इस वाली ट्रेड में, तो 200 रुपये जाने के लिए हमारे पास 500 का शेयर है, सिर्फ 200 रुपये का लॉस लेना है। ठीक है,
दिमाग में है 200 रुपये का लॉस लेना है, इंट्राडे ट्रेडिंग हम कर रहे हैं, अब 200 रुपये के हिसाब से अब आपका सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, ठीक है? क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के काम मार्केट में होते नहीं, मतलब कुछ लॉस भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना हमें, अगर हम प्रॉफिट के लिए आ रहे हैं तो हमें कुछ लॉस भी डिफाइन करना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस में कितना निकलना है मुझे, तो वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है? तो हमेशा जैसे हमें 200 रुपये के प्रॉफिट के लिए, 200 रुपये के लॉस के लिए हम आए थे ना, 200 रुपीज़ के लॉस के लिए आए थे, तो हमेशा हमें एटलीस्ट इतना 1:2, ठीक है, 1:2 का प्रॉफिट लेना ही लेना है। मतलब अगर हम 1 रुपया गवाएंगे तो हम 2 रुपये कमाएंगे किसी भी ट्रेड में, 5 रुपये गवाएंगे तो 10 रुपये कमाएंगे, 100 रुपये गवाएंगे तो 200 रुपये कमाएंगे, 200 रुपये गवाएंगे तो 400 रुपये कमाएंगे। 1:2 का मतलब समझ में आ गया, 1 रुपये कमाना है तो 2 रुपये कमाना है, ठीक है? अब 1 रुपये कमाना है, 2 रुपये कमाना है, इसे तो बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है? इसे ही बोलते हैं, रिस्क को मैनेज कैसे करना है इसे बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड, जो मैंने बताया 1:2। मतलब अब हमारे अकाउंट में 10,000 रुपये थे, ठीक है, हमें हमें गंवाने कितने हैं, मतलब लॉस कितना लेना, अगर ट्रेड गलत जाती है तो 200 रुपये का, टारगेट हमारा 400 रुपये का, अब 200 रुपये का लॉस लेना है, हमारे पास है 500 रुपये का शेयर, हमें इसमें एंट्री लेनी है, लॉस सिर्फ 200 का लेना है। अब नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करेंगे इसमें, ठीक है? नंबर ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 500 रुपये का हमारा शेयर है, 200 रुपये का हमें लॉस लेना है, तो कितने शेयर लेने हैं हमें, ठीक है? तो नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने के लिए इसका स्टॉप लॉस सोचना है, ठीक है? मान लीजिए इसका स्टॉप लॉस हमें लगाना है, हम इसे बाय कर रहे हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस मान लीजिए हमारा 490 पर रहेगा, 10 रुपये नीचे, 10 रुपये नीचे स्टॉप लॉस है, ठीक है? अब 10 रुपये में ये सोचो, 10 पॉइंट में हमें 10 पॉइंट में कितने का लॉस लेना था, 200 रुपये का। अब यानी मुझे कितने यहाँ पे कितने शेयर बाय करने पड़ेंगे, 20 शेयर, ठीक है? 20 शेयर बाय करूँगा जब जाके मुझे 200 रुपये का नुकसान होगा, ठीक है? तो ऐसे होता है कैलकुलेशन, रिस्क का ऐसे कैलकुलेशन करना है, ठीक है? अब 200 रुपये का हमें यहाँ पे लॉस होगा, अब हमें टारगेट एटलीस्ट कितना रखना है, 10 रुपये का हमारा 10 पॉइंट का लॉस था, ठीक है? तो हमें टारगेट एटलीस्ट हमें रखना है 20 पॉइंट का, 1:2 बोला था मैंने, और 1:2 के हिसाब से 10 पॉइंट का अगर हम लॉस लेंगे तो 20 पॉइंट का ही हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है? यानी हमें प्रॉफिट कितना हुआ, पीस क्वांटिटी के हिसाब से 400 रुपये का, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। यही अपने कैपिटल के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना, ये 10,000 के हिसाब से मैंने बता दिया, आपके पास अगर 1 लाख है तो 1 लाख के हिसाब से कर लेना, 2 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख के हिसाब से कर लेना। मेरी एक भी ट्रेड, जब भी मैं ट्रेड करता हूँ, हालांकि मैं हेजिंग करता हूँ, शॉर्ट करता हूँ, लेकिन फिर भी उसमें मैनेज रहता है मेरा रिस्क, मतलब मुझे एक दिन का कितना लॉस लेना है, मेरा रिस्क रहता है उससे भी कम, 1%, लेकिन मेरा प्रॉफिट भी उसी हिसाब से रहता है, 1% या आधा परसेंट ही रिस्क लेता हूँ मैं। अगर कमाना है तो कम से कम 50, 60, 70 हज़ार, लॉस करना है तो 20,000, 15, 20,000, 30,000, इतना ही होता है मेरा, तो इसी हिसाब से आपका मैंने बता दिया। तो ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है? तो ये ज़रूर फॉलो करना है, कसम खा लेना कि बिना 1:2 लिए बगैर मार्केट से बाहर आना नहीं है, गलती यही करते हैं, गलती सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेडर और नए ट्रेडर में सिर्फ यही है कि गलती इतनी होती है कि हम क्या करते हैं, जैसे आप में से कई लोग होंगे, नहीं मैंने भी की है गलती, 500 पे शेयर लिया, कोई रिस्क रिवॉर्ड नहीं, कुछ नहीं, बस ले लिया, क्वांटिटी भर ली, 10-20 हज़ार जितने ही पड़े हैं सबके ले लिए, उठा लिए शेयर 50 के, जितने भी आए मार्जिन ले ला के 50 शेयर उठा लिए। अब बढ़ते वक्त जैसे ही 5 रुपये का, 2-5 रुपये बढ़ा, 250 रुपये का प्रॉफिट दिखा, 300 रुपये का, 500 रुपये का प्रॉफिट दिखा, तो हमने इसे तुरंत निकाल दिया, 500 रुपये का 10 पॉइंट बढ़ते ही तुरंत निकाल दिया, और ये 500 प्रॉफिट बुक करके बैठ गए, ठीक है? ये तो था प्रॉफिट में, ये हम कर लेते हैं, नए बंदे करते हैं, मैंने भी किया था पहले कभी, लेकिन जब ये नीचे आता है तब वो डिफाइन ही नहीं है, वो 10 पॉइंट नीचे आ गया, 500 रुपये का लॉस दिख गया ऑलरेडी, ठीक है 500 का ही हुआ, हो सकता है ऊपर आ जाएगा, ऐसा सोचने में आता है, 500 से और नीचे जाता है, 1,000 और नीचे जाता है, 1,500 और नीचे, 2,000, वो टूटता चला जाता है शेयर शाम तक, और 3-4 हज़ार माइनस में निकलते हैं, तो ये गलती है, मतलब प्रॉफिट में तो रुकते नहीं हो, लॉस में पूरा रुक रहे हो, तो इसलिए ये गलती करते हैं सब, रिस्क मैनेज करके चलना है, मतलब 1 रुपया ही गंवाना है, 500 के प्रॉफिट में आए थे, 500 ही लेने आए हो ना, तो 250 के लॉस में निकल भी जाओ, स्ट्रिक्ट बनो, अपने आप के लिए स्ट्रिक्ट बन जाओ, रूल्स ही सब कुछ है मार्केट में, रूल्स मतलब रूल्स, मतलब 500 रुपये कमाना है तो 250 कमाने हैं, 250 कमाने आया तो गंवाने आया था तो 500 कमाने हैं, 500 गंवाने आया था तो 1,000 कमाने हैं, 50,000 लूज लॉस करने आया था तो 1 लाख कमाने हैं, ठीक है? यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो आ गया होगा समझ में। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं,
अगला पॉइंट थोड़ा अलग है, वो ट्रेडिंग से थोड़ा अलग लगेगा आपको, बट मैं उसे ट्रेडिंग से अलग मानता नहीं हूँ। ट्रेडिंग से अलग मतलब कि दिमाग, सबसे पहला माइंडसेट, थर्ड पॉइंट हमारा मेडिटेशन पे आ जाता है, एक्सरसाइज पे आ जाता है। अब ये सोचो, हम सारी चीज़ें जो कर रहे हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ यार कोई बड़ा काम तो करना ही नहीं है, सिर्फ अपना दिमाग ही तो चलाना है, तो वो हमेशा अच्छा रहना चाहिए। दिमाग में बेकार चीज़ें, कहीं का स्ट्रेस कहीं निकल रहा है, कुछ हो रहा है, आप घर से परेशान होके आए हो, ठीक है, किसी ने सुना दिया कि तू तो पैसे नहीं कमाता, ये करता है वो करता है, परेशान कर दिया, यहाँ पे आके आज एक ही दिन में पैसा कमाना है सारा, आ ले लूँगा मैं जितना रिस्क, जितना भर 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 के ले सकता हूँ, ले ली क्वांटिटी, उठा ली, उस दिन उससे भी ज़्यादा नुकसान हो, सबसे ज़्यादा बुरा दिन वही बन गया तुम्हारा, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो मेडिटेशन या एक्सरसाइज आपको डेली करनी है, एटलीस्ट 15 मिनट करो कम से कम, और 1 घंटे आप कर सकते हो। मेरा डेली एक्सरसाइज मैं करता हूँ, मेडिटेशन तो नहीं, ठीक है, वो भी मैं शुरू कर दूंगा, बट एक्सरसाइज तो मैं एटलीस्ट करता हूँ। तो मेडिटेशन या एक्सरसाइज आप भी कर सकते हो, ताकि आपका दिमागी संतुलन ठीक रहे, आप ठीक रहें और आपके ट्रेड्स जो हैं वो अच्छे रहें, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये था, और अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट पे हमें क्या करना है कि जैसे कि कई बार हुआ होगा, आपके साथ हुआ होगा, एक गोल सेट करना है, मतलब उस दिन का टारगेट सेट करना है, ठीक है। नया दिन जब शुरू होता है ना, तब हम सोचते हैं कि यार ठीक है आज मार्केट में कितना कमाना है, कुछ टारगेट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर तुम 1,000 रुपये के लिए आ रहे हो, तो 1,000 रुपये का टारगेट है आपका, लेकिन उसी हिसाब से दूसरा टारगेट लॉस का भी होना चाहिए। 500 रुपये के लॉस में भी मुझे बंद करना है, मतलब एक अगर एक टारगेट फिक्स है कि 1,000 रुपये पर मुझे बंद करना है, तो एक लॉस पे भी दोनों तरफ के टारगेट होने चाहिए, सिर्फ एक टारगेट की बात नहीं कर रहा हूँ। 1,000 रुपये पर बंद करना है तो उधर लॉस में भी 500 रुपये पर बंद करना है, ये टारगेट। एक दिन का 5,000 कमाना है तो एक दिन में 2,500 गवा के भी मुझे बंद करना है, ठीक है। ये कुछ टारगेट होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आप कमा लेते हो, 4-5 हज़ार रुपये आपने कमा लिया, आपके टारगेट के हिसाब से जितना सोचा था आपने कमा लिया, लेकिन क्या होता है ओवर ट्रेड, मतलब कमाने के बावजूद भी आपको लगा यार यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा मिल सकता है, वहाँ पे आप घुस गए, 5,000 प्लस था वो माइनस में 5,000 कन्वर्ट हो गया। तो ये गलतियाँ होती हैं, आपका टारगेट आने के बावजूद आपने घुसे बिना फालतू में, घुसे बिना फालतू की ट्रेड बनाई, प्रॉफिट में 1,000 सोच के घुसे थे, ये बात और याद रखना कि गलतियाँ कहाँ होती हैं, आप सोचते हो 5,000 से थे 6,000 कर लेते हैं, या 4,000 थे 5,000 कर लेते हैं, 1,000 के लिए घुसे थे 9,000 दे के आ गए, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। मैं ये नहीं कर रहा कि अपॉर्चुनिटी मिले तो मत घुसो, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप पोजीशन बनाओ, नो डाउट बनाओ, ठीक है आप 5,000 थे, आप 1,000 के लिए एंटर कर रहे हो, लेकिन 500 का रिस्क भी तो रखो उसके साथ साथ, ठीक है 1,000 रुपये मिलेंगे ठीक है मैं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन एक्सेप्ट योर लॉसेस एज वेल, मतलब 1,000 रुपये के लिए एंट्री ले रहे हो तो 500 रुपये गवा के भी निकल जाओ, मतलब 5,000 अगर ऑलरेडी आपके प्रॉफिट हो चुका है, 6,000 आप उसे करना चाह रहे हो तो ठीक है 6,000 हो गया अच्छी बात है, लेकिन 4,500 में बाहर भी आ जाओ। तो ये सेट टारगेट दोनों तरफ से, प्रॉफिट में भी मतलब और लॉसेज में भी, कितना लॉस और कितना प्रॉफिट, उसके बाद बंद हो जाना चाहिए सिस्टम, ठीक है, क्योंकि मार्केट हमेशा खुलेगा, आज खुलेगा कल भी खुलेगा परसों भी खुलेगा, जब हम नहीं रहेंगे तब भी खुलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया चौथा पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट कि कभी भी, हालांकि इस चीज़ को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्टॉप लॉस के बिना कभी भी ट्रेड नहीं करना, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट ये है, नेवर एवर कभी भी अपने स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना है, कहीं भी लगाओ लेकिन लगाओ, ठीक है। देखो मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि स्टॉप लॉस सिर्फ लॉस से बचाता है, वो लॉस से तो बचाता ही है, साथ में हमारी साइकोलॉजी को मेंटेन करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। मैं जैसे कि अभी बता देता हूँ स्क्रीन पर कि कैसे मेंटेन करके रखता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई 500 रुपये पर ट्रेड बनाया था, ठीक है 500 रुपये पर हमने ट्रेड बनाया, अब इसका कोई स्टॉप लॉस नहीं है, टारगेट के हिसाब से सोचा 10-20 पॉइंट ऊपर जाते ही मैं निकाल दूंगा, लेकिन हमारी क्वांटिटी यहाँ पे अच्छी खासी है, मान लो हमने यहाँ पे 1,000 क्वांटिटी ले रखी है, ठीक है अब 10 पॉइंट ऊपर जाते ही मैं निकालूंगा, 510 पे 1,000 से 10,000 रुपये का प्रॉफिट बन जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये मेरे अपोजिट चला गया, ये मेरे अपोजिट जा रहा है, अब ये 5 पॉइंट नीचे आते ही 5,000 का लॉस दिखाएगा मुझे, ठीक है स्टॉप लॉस नहीं था। अगर मेरा स्टॉप लॉस होता 5 पॉइंट नीचे तो मेरी अपने आप ही पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाती, क्योंकि मेरा कंट्रोल मेरे दिमाग पे, पहले अगर मैंने पहले सोच के लगाया होता कि मैं 5 पॉइंट का लॉस ले लूँगा
तो वहाँ पे मार्केट मुझे अपने आप ही बाहर निकाल देती, क्योंकि ऑलरेडी मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ था, तो मार्केट अपने आप मेरा स्टॉप लॉस खा के निकाल देता मुझे। लेकिन अभी नहीं लगा हुआ है स्टॉप लॉस, अब वो 5 पॉइंट नीचे आ चुका है। हालांकि पहले चाहे मैंने दिमाग में सोचा हो कि 5 पॉइंट नीचे मैं निकालूंगा, लेकिन जब वो 5 पॉइंट नीचे आ जाएगा ना, तब एग्जैक्टली हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है वहाँ पे। अब वो क्या सोचेगा हमारा दिमाग, ऐसा भी तो हो सकता है ये 5 पॉइंट नीचे है, 5 पॉइंट ऊपर भी तो जा सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा सोचेगा 5 पॉइंट नीचे है, 1 पॉइंट ऊपर जाते ही निकाल दूंगा, लॉस थोड़ा कम होगा, या 2 पॉइंट ऊपर जाते ही निकाल दूंगा, ठीक है, या 1 पॉइंट और झेल लेता हूँ, या 5 पॉइंट और झेल लेता हूँ, यार क्या पता यहाँ से ऊपर ही चले, चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, ऐसा दिमाग सोचना शुरू करता है। और ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये मेरे साथ हुआ है, ठीक है, और आपके साथ हो रहा होगा, कई लोग आपके साथ बिल्कुल हो रहा होगा कि यार कि हाँ हमने ऐसा फेस किया है, ऐसा होता है। तो वो 5 पॉइंट ऊपर नहीं जाता, वो नीचे ही नीचे जाता है, और ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ तो कई बार हुआ, बर्बाद करके गया है मेरे को, ठीक है। जब नया नया शुरू किया था तब मुझे ढंग से मेरी SLC करके गई है ट्रेड। तो यही है गाइज, इससे पहले कि हमारी हालत ख़राब हो, हमें स्टॉप लॉस पहले ही डिफाइन करना होता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि लॉस कम करेगा, हमारी साइकोलॉजी भी मेंटेन करके रखेगा। क्योंकि अगर मार्केट, मान लो ये अगर हमने 10 पॉइंट के टारगेट के हिसाब से, ये हमारा टारगेट था, और हमने 5 पॉइंट का लॉस लेने का पहले ही डिफाइन कर लिया होता, और अगर ये 495 पे आके मेरा एग्जीक्यूट हो जाता, ठीक है, मैं निकल जाता 5,000 के लॉस में, कोई बात नहीं। लेकिन क्या पता आप अगली अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती, मुझे यही प्राइस, यही स्टॉक 485 में खरीदने को मिल जाता, तो मैं यहाँ पे 5 पॉइंट का और रिस्क लेके अगली ट्रेड में इसको 495 पे निकाल देता, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब 495 पहले मैं निकला, फिर वो प्राइस 485 चला गया, मैंने यहाँ पे मैंने वही क्वांटिटी खरीदी, 1,000, और 480 का स्टॉप लॉस लगा के मैंने 10 पॉइंट का टारगेट लगा दिया वहीं 495। अब वो 495 चला गया, मेरा जो मेरा लॉस था वो भी कवर हुआ, ऊपर से प्रॉफिट में आ गया। बट अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो पहले तो ये 495 से 485 जाता, ठीक है, लॉस 15,000 दिखता, ऊपर से फिर ये ऊपर आता 495 पे, और हम फिर यहीं निकल जाते। अगर ये मौका देता तो बोल रहा हूँ, कई कई ट्रेड तो मौका भी नहीं देती और वो लॉस बढ़ता ही चला जाता है, ठीक है। इसलिए मौका और स्टॉप लॉस जरूर जरूर लगाओ स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस साइकोलॉजी के भी मेंटेन करता है, एक अच्छा ट्रेड देने का मौका देता है। अगर हम एक ट्रेड में फंसे हुए हैं ना गाइस, हमारे SL नहीं है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपके साथ हुआ होगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल जाती है, मतलब ट्रेड में ही फंसे हुए हैं, पैसे भी ब्लॉक हैं, ऊपर से पैसे ब्लॉक हैं, ऊपर से वो नुकसान भी दिया जा रहा है, और हमें दिख रहा है वो साफ साफ, हमें दिख रहा होता है यार बहुत प्राइस नीचे आ चुका है, काश मैं यहाँ खरीद लेता, पैसे भी नहीं होते अकाउंट में, काश मैं यहाँ खरीद लेता, छोटा सा स्टॉप लॉस मिलता और ऊपर निकाल देता, ऐसा भी होता है। लेकिन ऑलरेडी आप फंसे पड़े हो ना, तो लॉस से पहली बात ये बचा देगा आपको, ये लॉस से आपको बचा देगा, सेव कर देगा, अपॉर्चुनिटी भी आपको दिलाएगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मतलब अगर आप ट्रेड में नहीं हो तो पैसा आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, लॉस नॉर्मल सा है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप तुरंत एंटर कर जाओगे, ठीक है। तो लॉस से बचना है, बचाएगा अपॉर्चुनिटी से, ऊपर से साइकोलॉजी भी मेंटेन करके रखेगा, आपको बड़े बड़े लॉस होने ही नहीं देगा। ऐसे लॉस होंगे जो आप रिकवर कर सकते हो, उस दिन भी कर सकते हो, अगले दिन भी मार्केट क्योंकि एवरी डे खुलता है, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, तीनों चीज़ें फेल, सब कुछ फेल, दिमाग बेकार, ओवर ट्रेड, यूँ समझ लो एक लॉस होने की वजह से ना, एक स्टॉप लॉस ना होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, गलती पे गलती होती चली जाती हैं गाइज, ठीक है। तो गाइज़ इस वीडियो में जो भी मैंने बताया ना, ये मैं सारी चीज़ें अभी फॉलो करता हूँ, और पिछले जब भी मेरा ट्रेडिंग करियर शुरू हुआ था, पहले शुरुआत में 2-3 महीने नहीं कर पाया था, 3-4 महीने, उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव किया, और तब से मैं अभी तक करते आ रहा हूँ, और जो चीज़ें अभी भी मैं इम्प्रूविंग पे हैं वो चल रही हैं, और आगे जाके इम्प्रूव होंगी वो भी, क्योंकि एक ट्रेडर हमेशा इम्प्रूव करता है अपने आप को, मैं भी अभी भी कर रहा हूँ, और भी प्रॉफिट बड़े बड़े होंगे, और भी चीज़ें संभलेंगी, ठीक है। तो बस यही है जो चीज़ें मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, एक हर ट्रेडर इंप्रूव करके रखता है, वही मैं चाहता हूँ कि आप भी सभी लोग इंप्रूव करें ये इन चीज़ों को, एटलीस्ट गारंटी है सफलता तो मिलेगी ज़रूर, ठीक है। तो इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा भी, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी तो गाइज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना, ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए आपके लिए। तब तक के लिए गाइज़ बाय बाय।